रही हैं। ये भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां पर डटे हुए थे, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही थी। भोपाल से आई एनएसयूआई कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर लगातार ये लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पहले बात करके हटाने की कोशिश की। जब वहां से ये नहीं हटे तो इन पर लाठी चार्ज पुलिस ने किया। भोपाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ है भोपाल में। आखिर क्यों ये यहां पर इकट्ठे हुए थे? क्या किसी तरह का कोई प्रदर्शन चल रहा था? लगातार इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने पहले इन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की, फिर एक बार एकदम से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हो जाती है। और देखिए पुलिस का लाठी चार्ज तस्वीरों में आपके सामने। मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी बताए जा रहे हैं, इन्हें यहाँ पर जुटने से मना किया गया था, लेकिन लगातार यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही थी। और देखिए कांग्रेस पार्टी का गठन है एनएसयूआई, यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे। पुलिस ने इन्हें आराम से बात करके हटाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग यहाँ से हटे नहीं, जिसके बाद एनएसयूआईकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। दरअसल इन एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव किया था। सीएम आवास के आसपास सुरक्षा वैसे ही टाइट होती है और धीरे धीरे कर ये लोग बढ़ते जा रहे थे। सीएम आवास के बाहर इन्होंने घेराव किया था। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जीतू पटवारी मेरे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए। जीतू पटवारी जी, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हम पुलिस का देख रहे हैं, हुआ क्या था ये, क्यों पहुंचे थे कार्यकर्ता यहाँ पर, क्या आप बता सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार हमेशा अराजकता और लोकतंत्र को दबाने में ही अपनी पूरी एनर्जी नष्ट करती है। आप देखोगे कि जो मध्य प्रदेश के हालात क्या है, मध्य प्रदेश के हालात ये है कि आपने ऑनलाइन तो पूरी पढ़ाई कराई, अब ऑफलाइन एग्जाम की बात करते हैं। ऑनलाइन आपने जिस तरीके से प्रोसेस की उसके एकदम विपरीत धारणा बनती है। जो कोविड में था, जो परिस्थितियां थी, हमारे शिक्षा मंत्री जी का हमेशा धारणा ये रहती है कि जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं या जिस तरह की उनकी एक्टिविटी थी, ये सब लगातार डिमांड करते ही आ रहे हैं। वो आपने देखा है, वो भी प्रोटेस्ट कर करके थक गए, जिन्होंने सरकार गिराने में कहा था हम सड़क पे आ जाएंगे उन मुद्दों को लेकर, जिसमें अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर सबकी बात शिक्षा जगत से जुड़ी हुई होती। आज हालात ये है कि कोविड में लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है, लगातार प्राइवेट सेक्टर से बच्चों को निकाला जा रहा है क्योंकि उनकी फीस वो जमा नहीं करा पा रही है। इसके कारण सरकार को जो प्रोटेक्ट करना चाहिए इस परिस्थिति में, उसके लिए सरकार नज़रअंदाज करती है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसपे एनएसयूआई ने बार बार सरकार से बात की, मंत्री से बात की, अधिकारियों से बात की। हमारी छात्र विंग ने लगातार जिलावार प्रोटेस्ट किए, मतलब अराजकता की पराकाष्ठा है। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता पहुंचे थे, सीएम आवास का घेराव किया, बैरिगेटिंग तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, और पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की। तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कई मुद्दों पर हमने सरकार को जगाने की कोशिश की है, लेकिन बार बार सरकार लोकतंत्र पर हमला करती है। तो अब लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया है। सरकार क्या कह रही है? जीतू पटवारी जी, एक बार फिर से बताइए आप लोगों की मांगे क्या हैं, जिन मांगों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। अव्वल तो ये नई शिक्षा नीति का आप लोग विरोध कर रहे हैं, और मेरी आवाज पहुंच रही है जीतू पटवारी जी? उन तक लगता मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो नई शिक्षा नीति पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताना शुरू किया था।
पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा, सीएम आवास के बाहर यहां पर ये जुट रहे थे तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता। एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है, महंगाई बेरोजगारी को लेकर के विरोध जता रहे थे, नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर हमला करती है, आवाज दबाने की कोशिश करती है। गोविंद गुर्जर मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गोविंद, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, पुलिस का लाठीचार्ज, कांग्रेस पार्टी कह रही है बार बार लोकतंत्र पर हर हमला और बार बार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है मौजूदा सरकार। तो ज्योतिषना, शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत ये जो एनएसयूआई ने आज धरना प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री का जो निवास है उसे घेरने का इनका प्लान था, लेकिन उससे पहले ही इन्हें कांग्रेस दफ्तर के पास ही पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है, और जहां पुलिस से इन तमाम कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है, लाठीचार्ज भी देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर कल दिग्विजय सिंह ने एक विशाल धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट किया था रामेश्वर शर्मा के खिलाफ, और आज कांग्रेस की ही विंग जो एनएसयूआई है उसने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंजुल त्रिपाठी एनएसयूआई के और प्रदेश अध्यक्ष हैं नीरज कुंदन, इन तमाम लोगों के तत्वावधान में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है भोपाल में, जहां फिलहाल पुलिस ने इन तमाम लोगों को अपने काबू में ले लिया है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो ये प्रदर्शन एनएसयूआई का यहां भोपाल में शुरू हुआ था शिक्षा बचाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत। अभी अभी सूरत हाल क्या है, अभी मौके से क्या तस्वीर है, सब लोग चले गए हैं वापस या अभी भी वहीं डटे हुए? पूरा प्रदर्शन है वो ठंडा पड़ गया है, क्योंकि पुलिस ने तमाम लोग हिरासत में ले लिया है, लाठीचार्ज भी हुआ है। तो कुछ ही देर पहले काफी घमासान की स्थिति थी, लेकिन कहा जा सकता है कि कांग्रेस लगातार मुखर होती जा रही है मध्य प्रदेश में। कल सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आंदोलन किया था बड़ा, और आज एनएसयूआई ने आंदोलन किया, लेकिन फिलहाल मामला पूरी तरह से कंट्रोल में। और राज्य सरकार क्या कह रही है, कोई प्रतिक्रिया इसके बाद सामने आई? देखिए, अभी इसका इंतजार करना होगा राज्य सरकार की इस तरह के आंदोलन को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही ये चीज का इशारा कर चुके हैं कि किसी भी तरह से कानून को हाथ में लेने वाला कोई भी कदम अगर विपक्ष की ओर से लिया जाता है तो सरकार भी कड़े रुख के साथ सामने आएगी। ठीक है गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर जैसे ही एनएसयूआई कार्यकर्ता डटने शुरू हुए, पास में ही थोड़ा आगे बैरिगेट लगा दिया गया और वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को रोका गया पहले पुलिस द्वारा। ये लोग आगे बढ़ना चाहते थे, सीएम आवास का घेराव करना चाहते थे, लगातार तादाद बढ़ती जा रही थी, किसी प्रकार की स्थिति खराब ना हो, अशांति का माहौल ना बने, उसी को देखते हुए पहले ही पुलिस कदम जरूर उठा रही थी, लेकिन हालात धीरे धीरे खराब हो ही गए कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में ही झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही थी पुलिस, लेकिन वो वहां पर भारी तादाद में लगातार उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ना शुरू किया तो उन पर लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। दरअसल महंगाई, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति और इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग लगातार जो है आवाज़ उठाना चाह रहा था, और उसके बाद जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई वो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कि इस तरह की तस्वीर कोई नई बात नहीं है, जो सरकार है वो आवाज़ दबाने की कोशिश पहले भी करती रही थी, अब फिर से भोपाल में सरकार ने आवाज़ दबाने की कोशिश की है। ये तीन तस्वीरों के जरिए आप मौके का अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि मेरे सहयोगी गोविंद मुझे कह रहे हैं अभी हालात सामान्य हैं, लोगों को वहां से हटाया जा चुका है, लेकिन थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले किस तरह के हालात भोपाल में बन गए ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें ये भोपाल की हैं, मौजूदा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस का छात्र विंग,
एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी तस्वीरों में आप देख रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर जो है भोपाल में, वहां पर इनका जमावड़ा लगना शुरू हुआ था। तादाद बढ़ती जा रही थी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की। सीएम आवास का घेराव करना था, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा नीति का लगातार ये लोग विरोध कर रहे हैं। सीएम आवास का घेराव करना था, लेकिन पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। बैरिगेटिंग लगा दी गई और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोका गया है, जिसके बाद दोनों तरफ से झड़प की तस्वीर भी सामने आ रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ मिनटों पहले की तस्वीर है। पुलिस ने इन्हें यहाँ से खदेड़ दिया है और अभी हालात सामान्य हैं, जो मेरे सहयोगी मुझे बता रहे थे।